सर्वपाद निगम यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय और समस्त प्रिंट मीडिया के समस्त बंधुओं, ये देखिए कि वैदिक सनातन धर्म जो है किसी ने भी प्रारंभ नहीं किया। गीता में है कि मोहवांस जीव लोग जीव उदास साधना, तो ये भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि ये समस्त जगत में जितने भी जीव है वो मेरे अंश है। और आदिकाल से ही सत्य सनातन धर्म जो है वो चलता रहा है। अभी बीच में मान लीजिए कि उदय स्टाइल स्टालियन और भी बहुत से लोग जो है कुछ टिप्पणी करते हैं, जबकि वो मूल में वो भी सनातनी है, ये हम लोग मानते हैं वो भी सनातनी है, क्योंकि उनका नाम जो है सब नाम जो लगा हुआ उनका नाम लगा हुआ है वो सनातनी नाम है। बाद में हो चाहे कोई ईसाई बन गया कोई मुसलमान गया अलग विषय है। और हमारे भागवत जी ने बोला हुआ है कि भाई जो इस देश में जितने भी लोग है इनका डीएनए जो है वो मूल भारतीय चिंतन है, भारतीय लोग है। तो वैदिक सनातन धर्म जो है आराम से कोई भगवान ने भी इस सृष्टि का रचना जब से सृष्टि हुआ है तब से ही प्रारंभ है। तो बीच में ये लोग कुछ अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो बीच बीच में जो है कि भाई राजनीति का स्वार्थ के लिए कुछ उसमें कुछ लोग जो है प्रभावित हो जाएंगे। जो भारत के जनमानस में भारतीय लोग सब जानते हैं कि यहाँ का जो चिंतन क्या है, यहाँ का संस्कृति क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ के लोग जो निवासी जो भारत में निवास करने वाले और पूरा विश्व के अंदर जो भी भारतीय रहते हैं, तो सभी लोग निश्चित रूप से सनातनी परंपराओं को जानते हैं। तो ये हमारा सभी निश्चित हुआ कि सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा जो है हम लोग सब मिलकर भारत में जितने भी संगठन है जितने भी संप्रदाय है सब मिलकर 25 तारीख को जो है तमिलनाडु भवन उसको घेराव करेंगे। उनका स्टालियन जी का जो है उदय स्टालियन का पुतला जलाया जाएगा। उसके साथ में फिर हम लोग आगे भी कार्यक्रम हमारा तमिलनाडु में जो उनका निवास का घेराव करेंगे। हम लोग कानून का पालन करने वाले हैं, तो कानून के तहत ही हमारा भारत के जो संविधान अधिकार हमें दिया हुआ है उसके तहत हम आंदोलन करेंगे। और उनसे विशेष रूप से ये बोलेंगे भाई इनको ये माफी मांगना चाहिए उनको, और ये हमारा सबका विषय रहेगा। ये सभी संगठन के हमारे साथ में सभी लोग आए हुए हैं। आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी एक बार कायरता से ऐसा लगने लगता है, और संतों ने इसलिए निर्णय किया, सभी संगठनों ने इसलिए निर्णय किया कि कोई कुछ हमारी मूल परंपरा पर आघात पहुंचा दे और हम चुप रहे तो शायद उचित नहीं होगा। इसलिए 25 सितंबर को जो हमारा आक्रोश आंदोलन है वो सांकेत मान लिया मर्यादित है, पूर्ण कानून के दायरे में है, और ये उद्देश्य के लिए है कि सावधान सनातनी कायर नहीं है, कानून को तो मानता है पर कायर नहीं है। हमें अपने धर्म की अपनी आस्था की अपने विचारों का संरक्षण समर्थन करना आता है, इसलिए एक आयोजन प्रारंभिक है, आगे बहुत आयोजन होंगे। मैं अन्य महापुरुषों से थोड़ा कुछ दो शब्द बुलवा लूं उसके बाद प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन आपसे है।